इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। मेवाड़ दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उदयपुर नगर निगम परिसर में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की। निगम के महापौर जीएस टाक ने इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य पार्षदों को योगाभ्यास के तरीके सिखाए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निगम परिसर में ही स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया। साथ ही सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर प्रहार किए। सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जुगाड़ की सरकार है और कभी भी गिर सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले लंबे अरसे से प्रदेश सरकार वेंटिलेटर पर है। इस मौके पर लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सतीश पूनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार से अपील की कि वे पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सतीश पूनिया ने लगातार बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है, जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। उदयपुर प्रवास के दौरान सतीश पूनिया ने शहर के गोवर्धन सागर तालाब पर लगी सुंदर सिंह भंडारी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। और इसलिए जब हम 300 से 303 तक पहुँच सकते हैं और इस देश की राजनीतिक विचारधारा में कोई अरसा था जब लोग कहते थे देश का जो ट्रेंड है, देश का जो नैरेटिव है, वो कांग्रेस के लोग तय करते हैं। वो समय भी लोगों ने देखा है जब लोग कहते थे आज़ादी का मतलब कांग्रेस, सत्ता का मतलब कांग्रेस, नेहरू गांधी खानदान का मतलब कांग्रेस। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आने वाले 23 जून को हम नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ की रूप में वहाँ शुरुआत की डॉक्टर मुखर्जी साहब के नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी अपमान, उपेक्षा, विरोध, संघर्ष और तिरस्कार यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँची है। ये फ़र्क तो करना ही पड़ेगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इतने वर्षों तक वंश के पीछे चली, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं मानता हूँ कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, पार्टी का संविधान मजबूत है और पार्टी अपने आप में एक सशक्त संगठन के नाते चलती है, उसका सब हम लोग अनुसरण करते हैं। तात्कालिक रूप से कुछ चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया में मुखर होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक विराट ऐसा समुद्र है जो विचारधारा और संगठन के आधार पर आगे बढ़ता है। मुझे लगता नहीं है कि जिस स्थान है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 34 रुपये, जब वाजपेयी साहब की सरकार थी 2004 में जब छोड़ के गए तो 34 रुपये था, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई जब 74 रुपये था, 112% की वृद्धि उनके समय हुई, डीजल में 160% की हुई, पेट्रोल में 112% की हुई। मैं राजस्थान की बात करूंगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं और ये फ्लक्चुएट भी होते हैं, कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। ये बात सही है कि एकदम कीमतें बढ़ी हैं और उसका असर सीधे सीधे सामान्य जनजीवन पर पड़ा है, पर भारत की सरकार निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई उपाय सोचती होगी। पर मेरी गुजारिश तो राजस्थान की सरकार से है कि राजस्थान में हिंदुस्तान का सर्वाधिक वैट है और सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है हिंदुस्तान में तो राजस्थान में है। 36% और 26% ये फ़र्क है 36 रुपये का और 26 रुपये का पेट्रोल और डीजल में। 10 रुपये कम करते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को और भी सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सकता है, लेकिन राजस्थान की सरकार ये जिद किए हुए है, उसको इस बात का इल्म नहीं है कि वो केंद्र पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। तो मेरी तो पहली गुजारिश यही रहेगी, दूसरा मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार पूरे इस पर ध्यान देती होगी, संज्ञान में है और आने वाले समय में निश्चित रूप से नियंत्रण करेगी। मैं एक सामान्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कह सकता हूँ कि ये जुगाड़ की सरकार है। मुझे पता नहीं मेवाड़ में जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता, लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में जुगाड़ चलता है जिसमें फंटा किसी का होता है, स्टेयरिंग किसी का होता है, टायर किसी का होता है, हॉर्न उसमें होता नहीं, लाइट उसमें होती नहीं, वो चलने से ही आवाज़ करता है। इस तरीके का जुगाड़ है, 99 का था, BSP को मर्ज किया, इंडिपेंडेंट्स को मर्ज किया और उस आधार पर यह सरकार चली। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा थी, सरकार को चलाने की कम थी, यही कारण था कि कोरोना का कुप्रबंधन हुआ। इसलिए कांग्रेस के भीतर जो असंतोष है वो एक संकेत निश्चित रूप से दे रहा है कि राजस्थान कहीं मध्यावधि चुनाव की तरफ तो संकेत नहीं कर रहा।